नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है मोबाइल शॉप। आपकी अपनी पश्चिम मुखी वेस्ट फेसिंग मोबाइल शॉप है, या आप अपनी नई मोबाइल शॉप खोलने जा रहे हैं, या अपनी मोबाइल शॉप को रेनोवेट करने जा रहे हैं, तो आपको वास्तु के अनुसार किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में आपकी दुकान के फ्रंट के भाग से लेकर पीछे के भाग तक, शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जानकारी देना चाहूँगा। आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक, आखिर तक जरूर देखें। आप अपनी नई मोबाइल की दुकान खोलने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है, आपकी दुकान का फर्श का लेवल रोड के फर्श के लेवल से हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए। यदि आपकी दुकान का फर्श का लेवल रोड के फर्श के लेवल से नीचा होगा तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी दुकान के अंदर वर्किंग ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी। आपकी दुकान के बाहर जो रोड है, जो सड़क है, जो गली है, वो टूटी हुई ऊबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। आपकी दुकान के बाहर का फ्रंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, स्मूथ होना चाहिए। आपकी दुकान के बाहर के भाग में नाला बना हुआ है तो आपने उस नाले को अच्छे तरीके से पत्थर से ढकवाना है, और जो पत्थर लगे वो बिल्कुल एक लेवल में और स्मूथ लगे, और जहाँ आपकी एंट्रेंस आएगी वहाँ पर पत्थर बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है। आपने अपनी दुकान के शटर पर जो कलर करना है, जो आपका शटर है, शटर के ऊपर जो आपने कलर करना है वो वाइट कलर होना चाहिए, या सिल्वर कलर होना चाहिए, या ग्रे कलर होना चाहिए। आजकल मीटर वैसे तो खंभों पर ही लगने लग गए हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल है उन्हीं के ऊपर मीटर लगने लगे हैं। यदि आपके यहाँ मीटर आपकी दुकान के अंदर लग रहा है, वो आपने नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वॉल पर, या साउथ वेस्ट में साउथ वॉल पर ही आपने मीटर को लगवाना है। यदि संभव हो तो मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक मीटर और जो आपका एमसी बॉक्स बनेगा उसे आप अपनी दुकान के साउथ ईस्ट में ईस्ट की दीवार पर या साउथ की दीवार पर लगाते हैं तो आपके यहाँ सेल हमेशा ही अच्छी रहेगी। इन्वर्टर आपने कहाँ लगाना है, इन्वर्टर भी आपने अपने दुकान के साउथ ईस्ट के भाग में ही इन्वर्टर को लगाना है। अब बात करते हैं हम एंट्रेंस की। आपकी दुकान के अंदर आने का रास्ता कहाँ से होना चाहिए? जो आपका शटर लगा है, शटर के बाद एल्यूमिनियम का पार्टीशन या ग्लास का पार्टीशन लगाया जाता है। आप अपने यहाँ पर ग्लास का पार्टीशन लगाते हैं तो उसमें जो आपके आने का रास्ता, आपके स्टाफ के आने का रास्ता, कस्टमर के आने का रास्ता कहाँ होना चाहिए? आपकी दुकान की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप वेस्ट सेंटर से नॉर्थ वेस्ट की ओर एंट्रेंस बना सकते हैं, और आपकी दुकान की चौड़ाई कम है तो आपने नॉर्थ वेस्ट कोने में वेस्ट की ओर बढ़ते हुए जितनी आपको गेट की रिक्वायरमेंट है उतना बड़ा आप गेट लगा सकते हैं, दरवाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से आपका आना, आपके स्टाफ का आना, आपके कस्टमर का आना रहेगा। अब बात करते हैं काउंटर की। आपने काउंटर कहाँ बनाना है? जो काउंटर आपने बनाना है, सबसे पहले तो आपने काउंटर साउथ की दीवार के साथ काउंटर बनाना है। इसके बाद जो आपने दूसरा काउंटर बनाना है, वो काउंटर आपने ईस्ट की दीवार के साथ दूसरा काउंटर बनाना है। यानी आपका जो काउंटर बनेगा वो एल शेप में आपका काउंटर बन जाता है। ओनर की जो सिटिंग होनी चाहिए, ओनर को अपनी इस दुकान में साउथ वेस्ट में बैठना है। उसके बाद आपका स्टाफ का एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर, पाँच, छः, सात, जितने भी आपके यहाँ स्टाफ के मेंबर हैं वो सारे आपके यहाँ पर बैठ जाएंगे। ओनर के राइट हैंड की ओर आपने कैश बॉक्स बनाना है, यानी जो आपने गल्ला बनाना है, जो आपने लॉकर बनाना है, वो ओनर के राइट हैंड की ओर होना चाहिए। इसी के साथ अब बात करते हैं डिस्प्ले की, क्योंकि आपका काम मोबाइल का है और आपके यहाँ जो मोबाइल आते हैं वो सारे आपको डिस्प्ले में रखने पड़ते हैं, और
कुछ एरिया ऐसा भी होता है जिसके अंदर आप स्टोरेज भी करते हैं। जो आपने स्टोरेज बनानी है वो आपकी साउथ वॉल पर साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके साउथ वेस्ट तक आपकी लगभग नीचे से 3 फीट के करीब आपकी स्टोरेज हो जाएगी और उसके ऊपर आपके अपने डिस्प्ले आ जाएंगी। जो आपके मोबाइल है, मोबाइल एक कंपनी के रखने हैं आपने या 4 कंपनी के रखने हैं, वो मोबाइल की डिस्प्ले आपकी साउथ वॉल पर ऊपर वाले भाग में आ जाएगी और जो इसमें नीचे वाला भाग है उसके अंदर आपकी स्टोरेज हो जाएगी। ऐसे ही आपने जो डिस्प्ले करनी है उसके बाद साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके ईस्ट के सेंटर तक यहाँ पर भी आप अपनी मोबाइल की डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल वजन में हल्के होते हैं इसलिए यहाँ पर डिस्प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके अपनी मोबाइल की दुकान है, मोबाइल का शोरूम है, तो उसके अंदर एक छोटी सी रिपेयरिंग टेबल भी लगाई जाती है। वो रिपेयरिंग टेबल आपने कहाँ लगानी है? रिपेयरिंग टेबल आपने ईस्ट में, ईस्ट से साउथ ईस्ट की ओर यहाँ पर रिपेयरिंग टेबल लगानी है। अब बात करते हैं हम मंदिर की, मंदिर आपने कहाँ लगाना है? मंदिर आपने ईस्ट वॉल पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से साउथ ईस्ट कॉर्नर तक यहाँ पर आप अपना मंदिर लगा सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है जो आपकी एंट्रेंस है, एंट्रेंस के ठीक सामने आपने मंदिर को नहीं लगाना है। एंट्रेंस से राइट हैंड की ओर ईस्ट की दीवार पर यहाँ पर आपने मंदिर बनाना है। अब बात करते हैं पीने का पानी आपने कहाँ रखना है। पीने का पानी ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर और नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ सेंटर तक जहाँ आपको स्पेस मिलता है यहाँ पर आप अपना पीने का पानी रख सकते हैं। इसमें आपने ध्यान रखना है जो मयूर जग रखना है, मयूर जग का जो कलर होना चाहिए, यदि आप मयूर जग अपना नॉर्थ वॉल पर रखते हैं तो नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तक आपने जो मयूर जग रखना है उसका जो कलर होना चाहिए वो स्काई ब्लू कलर होना चाहिए, और ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तक आप ईस्ट की दीवार पर आप मयूर जग रखते हैं तो उसका जो कलर होना चाहिए वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। अब बात करते हैं नॉर्थ वॉल की। नॉर्थ वॉल पे आपने कुछ नहीं करना है। नॉर्थ वॉल पर जो आपके स्टिकर आते हैं, जो कंपनी के पोस्टर्स आते हैं, जो स्टिकर्स आते हैं, वो आप अपने यहाँ पर नॉर्थ वॉल पर लगा सकते हैं। इसमें आपने ध्यान रखना है यदि आपके यहाँ रेड कलर के पोस्टर आते हैं तो आपने नॉर्थ की वॉल पर रेड कलर का पोस्टर, रेड कलर का स्टिकर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी अपनी दुकान, आपका अपना शोरूम बहुत ही अच्छा चलेगा। आप अपनी नई दुकान बनाने जा रहे हैं और फर्श का भी काम होना है तो उसमें जो फर्श की ढलान है वो साउथ वॉल से नॉर्थ की ओर, साउथ सेंटर से भी नॉर्थ की ओर और साउथ ईस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर फर्श की ढलान आनी चाहिए। यदि आप इस तरीके से अपने यहाँ अपनी दुकान के अपने शोरूम का सेटअप कर लेते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपका शोरूम बहुत ही बढ़िया चलेगा, कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिन प्रतिदिन आप आगे की ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार से आप अपना सेटअप करेंगे तो आपको हमेशा ही लाभ मिलेगा, एक शोरूम से दूसरा शोरूम, दूसरे से तीसरा शोरूम बनाने की हिम्मत हमेशा बनी रहेगी। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करना चाहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।